हेलो फ्रेंड्स, ये है दमन ब्लॉग का पार्ट टू वीडियो। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम एक मंदिर आए हुए हैं जिसका नाम है विश्वेश्वरी धाम। ये मंदिर का परिसर है, काफ़ी साफ सुथरा सुंदर, टाइल्स लगे हुए हैं। भक्तगण आ रहे हैं, कुछ भक्तगण देवी के दर्शन कर लिए हैं और जा भी रहे हैं। और अभी हम आए हुए हैं तो चलते हैं देवी के दर्शन करने। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का फ्रंट साइट है। हम देवी के दर्शन करके आ चुके हैं। चूँकि अंदर में कैमरा करना अलाउड नहीं था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर है, पूरा ऊपर से नीचे कांच से बना हुआ है। ऊपर में तारामंडल जैसा बना हुआ है जिसको नीचे में देखने पर ऐसा लग रहा है कि हम ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं। विश्वम्भरी जी की जो मूर्ति है और उनका जो रथ है उसकी सजावट के बारे में मत पूछिए, बहुत ही सुंदर सजावट किया गया है। मुझे तो अभी भी मन हो रहा है कि मैं आपको दिखा दूं पर मैं मजबूर हूँ, मैं वीडियो कैमरा नहीं कर सकती। इन देवी की एक छोटी सी स्टोरी मैं बता दूं, ये देवी 1999 में यानी 1999 में प्रकट हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 20 साल हुए। 1999 में ये प्रकट हुई थी और एक महापात्र नाम के भक्त उनकी भक्ति से प्रसन्न होके उन्होंने इनको दर्शन दिया और तभी उसी के बाद देवी के मंदिर की स्थापना हुई और देवी की पूजा अर्चना शुरू हो गई। अपने साथ आए लोगों से मिला दूँ, ये है मेरे हस्बैंड जी, ये छोटी ननद और ये हैं छोटे जीजा जी। आप मुझे भी देख सकते हैं, ये रही मैं, हाय। ये रहा एक बहुत ही बड़ा सा जिराफ का स्टैचू। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि रियल ही है बट ये रियल नहीं है, ये एक स्टैचू है। आपको मैं मंदिर के अदर हिस्से दिखा देती हूँ। ये है एक पर्वत जैसा बना हुआ है जिसपे कि एक बंदर अपने बच्चे को लेके बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि रियल में बंदर बैठा। ये भी एक जस्ट स्टैचू ही है। मंदिर के गार्डन में कुछ ऐसे ही और भी स्टैचूज बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये है गोवर्धन पर्वत जिसमें श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों पे उठाए हुए हैं और उनके साथ जो उनके गांव के लोग हैं उनकी सहायता करने में लगे हुए हैं। स्टोरी को आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा, उसी स्टोरी को मूर्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। देख सकते हैं ये पर्वत है, पर्वत का थीम बनाया गया है। गाँव के लोग ये श्री कृष्ण जी अपनी उंगलियों पर पर्वत को उठाए हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। गांव के बाकी लोग भी श्री कृष्ण जी की मदद करने के लिए आते हुए। पे श्री कृष्ण जी की नटखट छवि को मूर्तियों की सहायता से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यशोदा माँ को जाता में कुछ पीसते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी खेल रहे हैं, गोपियाँ मक्खन निकाल रही हैं और श्री कृष्ण जी प्लेट में लेकर उस मक्खन को खा रहे हैं। अब मैं आपको बैकुंठ धाम की तरफ ले चलती हूँ। ये दोनों तरफ से जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवारें, दीवारों के उस साइड में गायें खड़ी होकर खाना खाती हैं। अभी फ़िलहाल उनके खाने का टाइम नहीं है, उनके रेस्ट करने का टाइम है, इसलिए कोई भी गाय नहीं दिख रही है। ये वो गायें यहीं पे खड़ा होके खाना खाती है और उनके स्नान करने का भी यही स्थान है। पानी भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। ये उनके खाना खाने के लिए बनाया गया है। हर गाय को अपना एक अलग स्थान और एक अलग नाम दिया गया है, नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गाय का छोटा सा बछड़ा है और गायों के लिए चारा रखा हुआ है। बैकुंठ धाम की गायें बांसुरी की मीठी धुन पे चारा खाते हुए और कुछ गायें विश्राम करते हुए।
ये है चीकू का पेड़, इस पे फल भी लगे हुए हैं, फल पक भी चुके हैं और मुझे इनको देख के लालच भी आ रहा है, बट ये मंदिर के गार्डन का है तो इसको हम खा नहीं सकते हैं। गार्डन में आगे जाने पे रामायण की स्मृति ताज़ा हो गई। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति, अश्वमेघ घोड़ा और माता सीता जी की मूर्ति देखने को मिली। और ये वो हिरण जिसकी वजह से माता सीता जी का अपहरण हुआ और पूरी रामायण रची गई। पूरा गार्डन घूमने के बाद वापस आते समय रास्ते में ये एक हाथी का स्टैचू बना हुआ है उसके बच्चे के साथ। इसकी आंखें इस तरीके से बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये रियल में हाथी खड़ी है। फ्रेंड्स, हमने माता जी के दर्शन भी कर लिए और मंदिर का पूरा गार्डन भी घूम लिया, तो इसका सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मैं हूँ मीकासोल नाम के एक रिसोर्ट के पास, जहाँ पे एक वाटर पार्क है और एक बहुत ही सुंदर सा लेक है, छोटा सा गार्डन है, जो कि आप इस गार्डन को देख पा रहे हैं। ये है रिसोर्ट का बहुत ही सुंदर सा ब्रिज। मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे मैं अभी आपको लेकर चलूँगी। ये है वो मंदिर जिसका मैं जिक्र कर रही थी। हमने दर्शन कर लिया है, अब हम लेक में बोटिंग करेंगे। बोट बुक हो चुका है और सब लोग बोटिंग के लिए तैयार हैं, तो चलिए हम भी बोटिंग करना शुरू करते हैं। पति देव पैंडल घुमाते हुए। हाय, मीरा सोल रिसोर्ट में स्वागत है। आप देख रहे हैं मीरा सोल वाटर रिसोर्ट और ये है ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक तरह का बोट है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। झील के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये झील के किनारे खिले हुए फूल हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे आप पिंक वाइट फूल देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो फूलों की वादियों में आ गए हैं। झील के किनारे कुछ इस तरीके से नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि झील की सुंदरता को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है नारियल के पेड़ जो किनारे में लगे हुए हैं झील के। झील के किनारे लगे हुए ये नारियल के पेड़ और फूल इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और ये है फाउंटेन जिसमें से पानी निकल रहा है, जो कि झील के ही अंदर बना हुआ है और झील की सुंदरता को बढ़ा रहा है। और ये है बुलेट ट्रेन जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसमें बैठ के घूम सकते हैं। यहाँ पे दो तरह की बुलेट ट्रेन है, एक वाइट और एक येलो अभी। और ये है रेलवे ट्रैक जिस पे बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाती है, जो कि झील के ही चारों तरफ बनाया गया है गोलाकृति में। ओके फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।